गाइस आज की वीडियो में मैं बहुत सारे रोबोट्स के बीच में फाइट कराने वाला हूँ। जैसे कि आपको पता होगा ये सारे के सारे रोबोट्स को मैंने ऑलरेडी प्रोग्रामिंग करके रखी हुई है। यहाँ पर देख सकते हो ये एक रोबोट है, इसका नाम है शैडो ब्रोंटोसॉरस। आज मैं इसकी फाइट कराऊंगा ऑटोबॉट्स रोबोट के साथ। एक और कमाल का रोबोट है मेरे पास, ये देख सकते हो ये ट्रांसफॉर्मर रोबोट है, इसकी भी फाइट कराएंगे। तो चलो उसको फटाफट से पहले करते हैं इनकी अनबॉक्सिंग, फिर कराते हैं इनके बीच में फाइट, देखते हैं इन तीनों में से कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल। लेट्स स्टार्ट। प्रोग्रामिंग फंक्शन है, मिसाइल भी शूट कर सकता है, डायनासोर से एक बहुत ही कमाल का रोबोट भी बन जाता है। अगर आप इस ब्रोंटोसॉरस को खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करो, इधर आपको व्यू प्रोडक्ट दिखाई देगा, उसके बाद आपको ब्राउज प्रोडक्ट पर क्लिक करना है, इसका वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप चाहे तो इसे खरीद सकते हो। एक और लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है अमेजोन का, वहां से भी जाकर आप चाहे तो शैडो ब्रोंटोसॉरस को खरीद सकते हो। सच में यार ये शैडो ब्रोंटोसॉरस बहुत ज्यादा बिग साइज का, इसको निकाल लेते हैं भाई साहब, ये कितना ज्यादा भारी भरकम है यार। इसके साथ मिलता है इस तरह का रिमोट कंट्रोलर, रिमोट देखो कितना ज्यादा यूनिक है, और इसके अंदर बटन्स भी ढेर सारे दे रखे हैं। यहाँ पर इसके मिसाइल्स भी इन लोगों ने छिपा रखे हैं। ये इसकी दो बड़ी बड़ी मिसाइल्स हैं, इनको हम लोगों को ये यहाँ पर फिट करना पड़ता है। देखो गाइस जस्ट इस तरह से पुश करेंगे तो यहाँ पर ये इस तरह से फिट भी हो जाएंगी। जैसे रिमोट के अंदर हम लोग एक बटन दबाएंगे ये फायर भी हो जाती है, कितने ज्यादा शार्प इसके अंदर नाखून दे रखे हैं। इसका माउथ देखो, अरे कमाल की चीज मैं आपको बताता हूँ, रिमोट के अंदर हम एक बटन दबाएंगे इसका सर देखो गाइस इस तरह से फट जाएगा और यहाँ से एक रोबोट का सर निकल के बाहर आ जाएगा। पीछे की तरफ यहाँ पर इस तरह का डिजाइन देखने को मिल जाता है। इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा सॉलिड मेरे को लगती है, यहाँ तक कि इसके लेग्स देखो कितने ज्यादा मस्कुलर है। पीछे की तरफ इस तरह का डिजाइन देखने को मिलता है, नीचे की तरफ यहाँ पर दो व्हील्स, इसको आगे पीछे मूव कराने के लिए यहाँ पर कुछ तो दिया हुआ यार, मेरे को लग रहा है इसके अंदर बहुत सारी एलईडी लाइट्स वगैरह दे रखी होगी। रिमोट बिल्कुल एक रोबोट के फेस जैसा ही इन लोगों ने बना रखा है। यहाँ पर इतने ढेर सारे बटन है, यहाँ पर बहुत सारे बटन है, पीछे की तरफ यहाँ पर इसको ऑन ऑफ स्विच, यहाँ पर दो AA बैटरी डालनी पड़ती है रिमोट को ऑन करने के लिए। अभी हमारे ट्रांसफॉर्मर रोबोट को अनबॉक्स करते हैं, इसका साइज भी बहुत ज्यादा बड़ा है, फटाफट से चलो इसको भी अनबॉक्स करते हैं। दोस्तों आपने अभी तक इस वीडियो पर लाइक नहीं किया तो यार फटाफट से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर से दबा देना। इस तरह की पैकिंग में मिला है ये ट्रांसफॉर्मर रोबोट, यहाँ साइड में रखे हुए इसके हथियार भी इसके हाथ में देकर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर इसका ऑन ऑफ स्विच दे रखा है, इसका ये जो चेस्ट है इसके अंदर देखो यार यहाँ इसने पांच पांच रॉकेट छिपा रखे हैं, इस तरफ भी पांच रॉकेट छिपा रखे हैं, ये चीज इसके अंदर बहुत ज्यादा कमाल की दे रखी है। यहाँ पर शोल्डर फ्लैप्स भी इसके अंदर मिल जाते हैं, 70 डिग्री तक ये मूव हो जाते हैं, इसके लेग्स भी काफी ज्यादा मस्कुलर है। यहाँ पर व्हील्स जैसा डिजाइन है, नीचे की तरफ है इसकी असली चीज, यहाँ पर दो व्हील्स मिलते हैं, इस तरफ एक व्हील है, यहाँ पर एक सपोर्टिंग व्हील भी इसके अंदर लगा रखा है ताकि ये बहुत स्टेबल तरीके से चल सके। यहाँ पर इसका बैटरी कंपार्टमेंट, 3 AA बैटरीज आ जाएंगी इस तरफ, 3 AA बैटरीज आ जाएंगी, इस वजह से इसकी पावर जो है बहुत ज्यादा कमाल की बढ़ जाती है। तो अभी इसके वेपन्स मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एक स्पेस गन है, स्पेस स्वॉर्ड भी इसके साथ मिलती है। इसकी स्वॉर्ड का साइज देखो कितना ज्यादा बड़ा है, आपको लगा के भी दिखा देता हूँ। अभी देखोगे इसका लुक कितना ज्यादा डेंजरस दिखाई दे रहा है। जो वेपन है मैंने इसके हाथ में दे रखे हैं तो इसको रख देते हैं यहाँ पर। अभी मैं इसका रिमोट दिखा देता हूँ, बिल्कुल एक वॉकी टॉकी जैसा रिमोट नहीं दे रखा है, यहाँ पर बहुत सारे बटन है, यहाँ पर भी बहुत सारे बटन है। अभी हमारा तीसरा ऑटोबॉट को अनबॉक्स करते हैं। ये रही हमारी ऑटोबॉट डिफॉर्मेशन कार, ये इस तरह की एक रोबोट भी बन जाती है। इन तीनों में से ये ऑटोबॉट सबसे ज्यादा कम प्राइस का है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका साइज भी देखो यार दोनों के मुकाबले में थोड़ा सा छोटा दिया गया है, दिखने में बिल्कुल एक बुगाटी कार जैसा डिजाइन है, लुक बहुत ज्यादा कमाल का इसका। जैसे हम रिमोट के अंदर एक बटन दबाते हैं ये ऊपर की तरफ चला जाता है और इसके नीचे से एक रोबोट निकल के आ जाता है। यहाँ पर इसका ऑन ऑफ स्विच है, इसके अंदर भी देखो गाइस कोई भी रिचार्जेबल बैटरी नहीं मिलती है, इसके अंदर हम लोगों को सेल्स डालने पड़ते हैं। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था, इसके अंदर हम लोगों को रिचार्जेबल बैटरी मिल जाती है, इसकी बैटरी इसी के अंदर इंस्टॉल होकर आती है। यहाँ पर देखो इसका बैटरी कंपार्टमेंट है, यहाँ से हम इसको डायरेक्ट चार्ज भी कर सकते हैं। कंप्लीटली इसका भी जो बिल्ड क्वालिटी है ठीक ठाक है इस प्राइस के हिसाब से। ये रहा गाइस इसका रिमोट, यहाँ पर दो एक्स्ट्रा बटन मिलते हैं इसको डिफॉर्म कराने के लिए। रिमोट की बिल्ड क्वालिटी भी काफी ज्यादा सॉलिड है। तो गाइस तीनों को यहाँ पे मैंने रख दिया है, तीनों एक से बढ़कर एक दिखाई दे रहे हैं। ये डिफॉर्म हो सकता है, ये डिफॉर्म नहीं होता है, यही शेप में रह जाता है, ये कंप्लीटली डिफॉर्म होकर एक रोबोट भी बन जाता है। तो दोस्तों अभी चलते हैं बाहर, फटाफट से कराते हैं तीनों के बीच में फाइट, देखते हैं तीनों में से कौन है सबसे ज्यादा ताकतवर रोबोट। लेट्स गो एंड फाइट। सबसे पहले ऑटोबोट रोबोट को मैं कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ, ये बहुत इजी तरीके से एक रोबोट में कन्वर्ट हो जाता है। देखो गाइस कितना बड़ा रोबोट अभी बन चुका है। अभी इस रोबोट को मैं एक डायनासोर में कन्वर्ट करने वाला हूँ। देखो जैसे ही मैंने बटन दबाया है इसका सर अंदर जा चुका है, अभी यहाँ पर डायनासोर का सर चिपक चुका है, अभी ये कम्प्लीटली एक डायनासोर बन चुका है। अभी ये ट्रांसफॉर्मर रोबोट तो कन्वर्ट नहीं हो सकता है, पर इसके अंदर एक बहुत ही कमाल का फीचर है, जैसे हम बटन दबाते हैं इसका चेस्ट इस तरह से ओपन हो जाता है और इस तरह से इसके वेपन्स बाहर आ जाते हैं। देखो इस फटाफट तरीके से फायर भी करने लगता है और इसके जो रॉकेट
रॉकेट्स है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। फायर करने के बाद ये अपने आप क्लोज भी हो जाता है। सबसे पहले ऑटोबोट रोबोट को टेस्ट करते हैं। ये बटन दबाते हैं, इसको मैं वापस से कार में कन्वर्ट कर चुका हूं। अभी इसको कंप्लीटली हम एक आरसी कार जैसे भी चला सकते हैं। आप इसको कोई भी डायरेक्शन में चला लो, बहुत मस्त तरीके से चल जाती है। ऑफ रोड में भी चल जाती है, रोड पे भी चल जाती है और इंडोर में भी बहुत बढ़िया तरीके से चल जाती है। अभी ब्रोंटोसॉरस को टेस्ट करते हैं, एक बटन दबाते हैं। ये देखो इसका सर दो टुकड़ों में फट चुका है। अभी इसका ये जो सर है हैंड्स के नीचे कन्वर्ट हो जाएगा, अंदर से एक रोबोट का सर निकल के आ जाता है। तो यहां पर इसको फटाफट तरीके से टेस्ट करके मैं आपको दिखा देता हूं। इसको आगे पीछे आप चला सकते हो और इस तरह से स्टेप बाय स्टेप भी एक ह्यूमन के जैसा भी इसको चला सकते हो। दिखने में काफी ज्यादा यूनिक है। अभी इसको मैंने डायनासोर बना दिया। डायनासोर बनाने के बाद इसकी स्पीड जो है थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाती है, स्लाइड करते हुए ज्यादा स्पीड में चलता है और स्टेप बाय स्टेप भी ज्यादा स्पीड में चलने लगता है। अभी ये ट्रांसफॉर्मर रोबोट को टेस्ट करते हैं। इसके हाथ में वेपन देखो गाइस कितने ज्यादा डेंजरस दिख रहे हैं। इसके हाथ भी मूव करते हैं जैसे ये आगे पीछे चलता है। इसको हम लोग स्लाइड करा के भी चला सकते हैं, ह्यूमन की तरह स्टेप बाय स्टेप भी चला सकते हैं। और ये बटन दबाएंगे तो ये बहुत ज्यादा अटैकिंग मोड में आ जाता है। जैसे ही बटन दबाते हैं ये थोड़ा सा आगे पीछे जाता है, यहाँ पर इसके वेपन बाहर आ जाते हैं और इस तरह से धड़ाधड़ तरीके से फायर करने लगता है। पहले इन दोनों के बीच में फाइट कराते हैं, देखते हैं इन दोनों में से कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल। फटाफट से दोनों को मैंने रोबोट में कन्वर्ट कर दिया। अभी दोनों के बीच में पुश बैक कराते हैं। यहाँ पर ब्रोंटोसॉरस रोबोट बहुत ज्यादा पावरफुल मेरे को लग रहा है। देखो ये ऑटोबोट रोबोट को बहुत इजी तरीके से पीछे ढक ले जा रहा है। यहाँ पर मेरे को लग रहा है गाइस ये इसका कचूमर बना देगा। और यहाँ पर ऑटोबोट रोबोट ने अपने आप को कन्वर्ट करके एक कार बना दिया है और इसको एक धक्का मार के नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है। और ये देखो गाइस धड़ाम से इसने इसको नीचे गिरा दिया। मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा इतना छोटा ऑटोबोट रोबोट इतने बड़े डायनासोर रोबोट को नीचे गिरा चुका है। अब इन दोनों के बीच में फाइट कराते हैं, देखते हैं ये ऑटोबोट रोबोट ट्रांसफॉर्मर रोबोट को भी नीचे गिरा पाता है नहीं। भाई साहब देखो कितनी तेजी से ट्रांसफॉर्मर रोबोट इसको पीछे ढकल के लेके जा रहा है और इसकी तलवार से इसके सर के ऊपर भी मार रहा है। भाई साहब यहाँ पे ऑटोबोट रोबोट वापस से कार बनने की कोशिश कर रहा है पर ट्रांसफॉर्मर रोबोट ने इसको पूरी तरीके से रोक रखा है। और भाई मेरे को लग रहा है अभी ये वेपन अपने चलाने वाला है। देखो गाइस इसका चेस्ट ओपन हो चुका है और ये धड़ाधड़ तरीके से इसके सर के ऊपर रॉकेट्स फायर करे जा रहा है। ओह माय गॉड अभी तक इसने 3 रॉकेट्स फायर कर दिए। रॉकेट सारे के सारे इसके सर के ऊपर लगने के कारण मेरे को लग रहा है ऑटोबोट रोबोट को चक्कर आ चुके हैं, इस वजह से ये धड़ाम से नीचे गिर चुका है। यार सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है, कितनी इजीली ऑटोबोट रोबोट को हरा के रख दिया है। इनके कैनन की पावर टेस्ट करेंगे गाइस। देखो यहाँ पे बहुत सारे ग्लासेस मैंने जमा दिए हैं। ये ग्लासेस बहुत ज्यादा वेट वाले हैं। एक के अंदर एक मैंने 3-3 चार-चार ग्लासेस लगा दिए। सबसे पहले ब्रोंटोसॉरस के रॉकेट्स को टेस्ट करते हैं गाइस। ये क्या हो चुका है यार, फायर किया इसने यहाँ पर कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। सेकंड टाइम मैंने जब फायर किया तो तब जाकर यहाँ पर 3-4 ग्लासेस जो है नीचे गिर पाए हैं। अभी ट्रांसफॉर्मर रोबोट्स को टेस्ट करते हैं गाइस, देखते हैं इसके रॉकेट्स कितने ज्यादा पावरफुल है। एक रॉकेट फायर करते ही देखो गाइस इसने 5-6 ग्लासेस को एक साथ नीचे गिरा दिया है। ऑलमोस्ट आधे ग्लासेस यहाँ पर गिर चुके हैं। इसके रॉकेट्स पावरफुल के साथ साथ बहुत ज्यादा एक्यूरेट है। सारे के सारे रॉकेट्स को फायर करके सभी ग्लासेस को ढेर करके रख दिया है। इन सभी रोबोट्स के अंदर एक से बढ़कर एक लाइटिंग दी गई है। सबसे पहले यह ट्रांसफॉर्मर रोबोट की लाइटिंग मैं आपको दिखाता हूँ। ये दिखने में नाइट डेविल की तरह दिखाई देता है। देखो गाइस कितना ज्यादा डेंजरस दिखाई दे रहा है। ऊपर की तरफ तो बहुत सारी लाइट्स है और सेंटर में भी दो बहुत बड़ी बड़ी हेडलाइट भी इसके अंदर दी गई है। इसके शोल्डर के ऊपर भी बहुत सारी रंग बिरंगी एलईडी लाइट्स दी गई है। जैसे हम इसके हाथ में ये वाली स्पेस गन रखेंगे ये गन के अंदर भी लाइट्स आने लगेगी। ये फीचर भी इसके अंदर मेरे को बहुत ज्यादा कमाल का लगा। ब्रोंटोसॉरस के अंदर ज्यादा लाइटिंग नहीं दी गई है। इसका जो कैनन है इसके ऊपर 2 लेजर लाइट्स लगाई गई है। ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। ब्लू कलर में ये बहुत ज्यादा ऑसम दिख रही है और इसके चेस्ट के नीचे भी एक बहुत बड़ी एलईडी लाइट दी गई है। ऑटोबोट रोबोट के अंदर भी हेडलाइट्स दी गई है। मेरे को गाइस इन तीनों में से ट्रांसफॉर्मर रोबोट की लाइट्स बहुत ज्यादा कमाल की लगी। तो वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको इन तीनों रोबोट्स में से कौन सा रोबोट पसंद आया। चलो अभी मैं दे देता हूं शाउट आउट। पहला नाम आ जाता है फरहान, दर्श, वृद्धांक, अब्दुल मलिक, ऋषि कुमार, रोहन, वेंकट, तनवीर, दिव्येश, आशीष। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय दोस्तों।